Very good morning, all of you. Good morning, others. Good morning, Anjali. First of all, Happy New Year, everyone. As you already know, I'm your maths teacher, and my name is Ratsi. Today, I'm going to teach you mathematics January course. Okay, everyone? Good morning. Good morning, everyone. So let's start the class. Open your book, everyone. In new January course, there are two chapters, chapter 20 and chapter 21. Maths mein aapko January course mein do chapter padhne hai, chapter 20 and chapter 21. Okay? Good morning, Jayan. Khatib, very good morning. Good morning, everyone. Open your book, everyone, chapter number 20. Today, I'm going to teach you chapter 20, triangle. Look at this chapter. Your page number is 257. Chapter 20, triangle. Okay? So, today's topic is chapter 20. January course, mein aapko do chapter padhne hai, chapter 20 and chapter 21. So everyone, let's start the class. Open your book and notebook. Chapter number 20, page number 257. January course, jinhone note nahi kiya hai, wo note kar lijiye apni copy mein. Maths mein do chapter padhne hai aapko. Chapter 20 and chapter 21. And aaj ka topic hai. Chapter 20, triangle. Triangles. Okay? Let's start the class. Today's topic is triangle, and your first stop in a triangle, your first topic is collinear and non-collinear points. Everyone, open your notebook. Main kuch इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बोर्ड पे लिखवाऊंगी. आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट करने हैं, सारे डेफिनेशंस अच्छे से नोट करने हैं. एंड देन पहले हम लोग चैप्टर की थ्योरी को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. ओके? तो ट्रायंगल का फर्स्ट टॉपिक है आपका कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट. ओके, मैथ्स के फेयर कॉपी में ही सब कुछ नोट करना है. अदर्स अपना मैथ्स का जो हम लोग ने क्लास में फेयर कॉपी बनाया है, उस फेयर कॉपी में आप पहले हेडिंग डालो, आज का डेट, क्लास, सब्जेक्ट, चैप्टर का नाम, ट्रायंगल्स, हेडिंग देना है. एंड देन जनवरी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक जनवरी कोर्स चैप्टर 20 एंड 21. एंड हेडिंग दीजिए चैप्टर 20 का ट्रायंगल. नाउ स्टार्ट द क्लास. योर फर्स्ट टॉपिक इज कॉलिनियर पॉइंट. सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे व्हाट इज कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट. कॉलिनियर पॉइंट होता क्या है? ओके, आपके बुक में भी डेफिनेशन दिया है, मैं उसको अच्छे से पढ़ के आपको बोर्ड पे लिखवाऊंगी. थोड़ा इलेबोरेट होगा डेफिनेशन, इसलिए आप बोर्ड पे जो मैं लिखवाऊंगी उसे आप एज अ क्लास वर्क अपनी कॉपी में बिल्कुल नोट कीजिएगा. ओके, सो कॉलिनियर पॉइंट इज द पॉइंट विच लाइज ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट. एक स्ट्रेट लाइन होगा, सपोज ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड सम पॉइंट लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, That point is called collinear point. जो पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करता हो, एक स्ट्रेट लाइन पर जो भी पॉइंट लाई करता है उसे हम लोग कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं. सपोज पी क्यू आर इज अ थ्री पॉइंट विच लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट. ओके, एक स्ट्रेट लाइन होगा, उस स्ट्रेट लाइन में जो भी पॉइंट लाई करते होंगे उन सारे पॉइंट्स को हम लोग कॉलिनियर पॉइंट कहेंगे.
So what's the definition of collinear points? The point which lies on a straight line is called collinear point. आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट करना स्टार्ट कीजिए. The point which lies, the point which lie on the same straight line, एक ही straight line में सारे points lie करते हो, उसे collinear point कहते हैं. It's called collinear point. जिन्होंने डेफिनेशंस लिख लिया है अपनी कॉपी में, वो अभी मैं जो समझाऊंगी सिर्फ आप उस पर ध्यान देंगे. मेरे क्लास में जो मैं क्लास ले रही थी वहां आज का ये फर्स्ट डे क्लास है, तो आज सबको मैं जो भी बोर्ड पे लिखवाऊंगी उन सबको अपनी कॉपी में नोट करना है. ओके, एज अ क्लास वर्क मेरे लिखाए हुए सारे पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे. जिनका लिखा हुआ है वो चैप्टर समझिए, और जिन्होंने नहीं लिखा है वो अच्छे से पहले हेडिंग के बाद सारे डिफिनेशंस जैसे मैं क्लास में करवाती हूँ आपको वैसे लिखना है. ओके एवरीवन, सो जस्ट फोकस ऑन द white board. The point which lie on a same straight line is called collinear point. So it's very simple ki collinear point kisko kehte hain. Ek straight line hoga, usme jitne bhi points lie karte honge un sab ko hum log collinear point kehte hain. Theek hai, to iska definition, the point which lie on a same straight line. To isme straight line kaun sa ho gaya? AB aapka straight line ho gaya, and collinear point PQR is a collinear point. Clear है सबका? जल्दी से आप नोट कीजिए, मैं फिर नेक्स्ट आपको नॉन कॉलिनियर पॉइंट बताऊंगी. मैंने जो बोर्ड पे लिखवाया डेफिनेशन उसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए. कॉलिनियर पॉइंट इज द पॉइंट विच लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन is called collinear point. एक same straight line में जो point lie करता है उसे हम लोग collinear point कहते हैं. Okay? Now your next topic is, सबने note कर लिया इसको? सबने note कर लिया? मैं इसे erase कर दूं? Okay. Now your next topic is non-collinear point. नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? नॉन कॉलिनियर पॉइंट. एज यू नो कॉलिनियर पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है, तो नॉन कॉलिनियर उसका जस्ट अपोजिट होगा. नॉन कॉलिनियर पॉइंट, ओके, एक स्ट्रेट लाइन तो होगा बट जो पॉइंट्स होंगे ना वो सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करते. कुछ स्ट्रेट लाइन पे भी लाई कर रहे होंगे और कुछ इधर उधर भी लाई करते हैं, तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग नॉन कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं. नॉन कॉलिनियर पॉइंट का डेफिनेशन क्या होगा? द पॉइंट विच डू नॉट लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड नॉन कॉलिनियर पॉइंट. डेफिनेशन नोट कीजिए आप लोग. द पॉइंट which do not lie on the same straight line is called non-collinear point. Non-collinear point is the points which do not lie on a same straight line is called non-collinear point. इसमें non-collinear point कौन कौन हो गया आपका?
PQRST, ओके आप एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा. am I audible to you all, everyone? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके सो नॉन कोलिनियर पॉइंट इज द पॉइंट विच डू नॉट लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट. नॉन कोलिनियर पॉइंट हम लोग किसको बोलते हैं? ऐसा पॉइंट जो कि एक स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं करता. ओके इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए. राइट डाउन इट योर नोटबुक एवरीवन. तो हमने कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट समझ लिया. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रायंगल. सबने नोट कर लिया इसको? मैं इसे इरेज कर दूं? ओके देन. So everyone, your next topic is triangle. First of all, you have to know what is triangle. पहले हम ये जानेंगे कि triangle होता क्या. अपनी कॉपी में heading दीजिए. ट्रायंगल, ओके मैं डेफिनेशन लिखवा रही हूं, आप अपनी कॉपी में उसको नोट कर लीजिएगा. अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय अ थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल. पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज ए बी सी इज अ ट्रायंगल. ओके write down its definition. A closed figure bounded by three line segment. A closed figure bounded by a three line segment is called triangle. A closed figure bounded by three line segment is called triangle. ऐसा closed figure जो तीन line segment से bound किया हो उसे हम लोग triangle कहते हैं. Okay? Line segment तो सबको पता है क्या होता है. या आप यहाँ पे कोई भी letter लिख सकते हो, A, B, C या कुछ भी नाम दे सकते हो. It depend on you. Triangle का definition note कीजिए. A closed figure bounded by a three line segment is called triangle. तीन line segment कौन कौन हो जाएगा इसमें? AB, BC and AC. एक line segment ये हो गया AB, दूसरा BC and third one is AC. तो तीन line segment से जो कोई figure बाउंड किया रहता है उसे हम लोग ट्रायंगल कहते हैं. एंड आपका तीन लाइन सेगमेंट क्या है? मैंने स्ट्रेट फिगर का नाम, हेलो एम आई ऑडिबल टू यू एवरीवन? अंजलि मेघा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Audible to you all, everyone?
ओके मैं एक बार आपको और समझा देती हूँ, मेरी आवाज में भी आपको क्लियर नहीं आ रही होगी। ट्रायंगल का डेफिनेशन होता है क्लोज फिगर बाउंडेड बाय अ थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ये फिगर का नाम मैंने ए बी एंड सी दिया, हमारे ट्रायंगल का नाम ए बी सी है, तो थ्री लाइन सेगमेंट कौन हो जाएंगे, ए बी बी सी एंड ए सी। लाइन सेगमेंट कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, ए बी बी सी एंड ए सी। एक ये लाइन सेगमेंट, एक ये लाइन सेगमेंट है, एक ये लाइन सेगमेंट। तो तीन लाइन सेगमेंट से बाउंड किए हुए फिगर को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। ओके इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए सब लोग। अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। एक फिगर भी बनाना है आपको, फिगर को नेम भी देना है सही से, आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये ट्रायंगल समझ में आया, किसी को कोई डाउट? ओके सबने नोट कर लिया, मैं इरेज कर दूं। चलिए ट्रायंगल में हम लोग और भी बहुत सारे चीजों को ध्यान में रखते हैं। सपोज अपने आप में अभी सिर्फ डिफिनेशन जाना है, अब मैं आप लोगों से एक एक करके सारी चीजें जो ट्रायंगल्स के अंदर आती है वो देखिए। एक ट्रायंगल हमारा कौन सा हो गया, ए बी सी। अब इसमें वर्टेक्स आता है, एक वर्टिसेस होंगे इसमें थ्री, कौन कौन से वर्टिसेस हैं हमारे, ए बी एंड सी। तो टोटल कितने वर्टिसेस हो गए, थ्री वर्टिसेस। ट्रायंगल में वर्टिसेस कितने हो गए, थ्री। कौन कौन से थ्री वर्टिसेस हैं, ए बी एंड सी। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज साइड्स भी कितने होते हैं इसमें, तो जितने लाइन सेगमेंट हैं उतने ही साइड्स होते हैं, एक दो एंड तीन, ए बी बी सी एंड ए सी, थ्री साइड्स हो गए ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के साइड्स कितने हो गए, थ्री। वर्टिसेस कितने हो गए, वो भी थ्री। सबके नाम भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, थ्री वर्टिसेस ए बी एंड सी, थ्री साइड ए बी बी सी एंड ए सी, एंड थर्ड वन इज थ्री एंगल्स। थ्री एंगल्स कौन कौन हो जाएंगे, एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी। जनरली हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ये एंगल का साइन होता है, एंगल ए एंगल बी एंड एंगल सी। सो इन अ ट्रायंगल देयर आर थ्री वर्टिसेस, थ्री साइड एंड अ थ्री एंगल। क्लियर है सबको? मैं एक बार और आप लोगों को रिपीट कर दूं, द क्लोज फिगर बाउंडेड बाय अ थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल, एंड इन अ ट्रायंगल देयर आर थ्री वर्टिसेस, थ्री साइड and three angles. Okay. Write down it in your notebook, everyone. सबने नोट कर लिया इसको? Okay.
बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज आई वॉन्ट टू टेल यू द क्लासिफिकेशन ऑफ आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू द क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज. हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, देन भी हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. योर नेक्स्ट टॉपिक इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज. तो मैं बोर्ड पे अभी जो भी लिखूंगी आप सब उसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा. ओके, ट्रायंगल इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन of classification of triangles triangle is classified into two types. First, on the basis of side. Side के basis पे भी classified किया जाता है. On the basis of side and on the basis of angle. तो ट्रायंगल को जब हम साइड और एंगल्स के बेसिस पे क्लासिफाइड करते हैं तो सारे ट्रायंगल्स के नाम जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं. साइड के बेसिस पे जब हम ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ ट्रायंगल व्हिच इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइड. फर्स्ट वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. अपनी कॉपी में नोट कीजिए आप लोग सब इसको. सेकेंड वन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड थर्ड वन इज चैलेंज ट्रायंगल. ओके एवरीवन, ट्रायंगल इज क्लासिफाइड ऑन अ टू बेसिस. फर्स्ट वन इज ऑन अ बेसिस ऑफ द साइड, सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. जब साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल को क्लासिफाइड करते हैं तो फर्स्ट ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेकेंड वन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड थर्ड वन इज स्केलेन ट्रायंगल. सिमिलरली जब ट्रायंगल को हम लोग एंगल के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो इसके टाइप्स का नाम भी चेंज हो जाता है. फर्स्ट वन होता है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल. सेकेंड वन इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. And third one is right angle triangle. ये आपके बुक में भी सबका नाम अच्छे से दिया हुआ है. अगर आपको यहाँ देखने में प्रॉब्लम हो रहा हो आप अपने बुक को भी अच्छे से देख सकते हैं. मैं ये ट्रायंगल का शॉर्ट साइन बना दिया है क्योंकि वहां पे जगह कम था. ओके, लेट मी एक्सप्लेन. सो ट्रायंगल इज क्लासिफाइड ऑन अ टू टाइप. First, on the basis of sides. Second one is on the basis of angles. यहाँ तक क्लियर है सबको? ट्रायंगल को दो पार्ट में बांटते हैं हम लोग, एक साइड के बेसिस पे, दूसरा एंगल के बेसिस पे. साइड के बेसिस पे जब ट्रायंगल को क्लासिफाइड करते हैं
तो फर्स्ट ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेकेंड वन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड थर्ड वन इज स्केलन ट्रायंगल. एंड व्हेन वी क्लासिफाइड द ट्रायंगल ऑन अ बेसिस ऑफ एंगल्स, फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेकेंड वन इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एंड थर्ड वन इज राइट एंगल ट्रायंगल. ये सारे ट्रायंगल्स जो हैं वो सब अलग अलग ट्रायंगल्स हैं, कोई भी एक जैसा नहीं है. सबके अलग अलग डिफिनेशंस होते हैं, अलग अलग शेप्स एंड साइज होता है, अलग अलग फिगर इसके ड्रॉ करने हैं आपको. मैं सारे डिफिनेशंस आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगी. तो पहले आपको ये समझना है कि ट्रायंगल को कितने पार्ट में बांटते हैं. पहले हम लोग ट्रायंगल को दो पार्ट में बांटते हैं. मैं वापस से आपको रिवाइज करा देती हूँ अगर किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो. When we classified the triangle, we classified on the two bases. First one is on the basis of sides. Second one is on the basis of angles. Then when we classified the triangle on the basis of sides, तो हमारा पहला triangle कौन सा होता है? Isosceles triangle. Side के basis पे तीन triangle होता है. पहला होता है isosceles triangle, दूसरा is equilateral triangle and third one is स्केलन ट्रायंगल. ये साइड के बेसिस पे बटे हुए ट्रायंगल का नाम है. ओके और फिर जब ट्रायंगल को एंगल के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं तो वो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल. ओके क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है? यू कैन आस्क मी. आदर्श, अंजलि, आराध्या, आप लोगों को समझ में आया? एनीवन, किसी को कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क मी. मैंने क्लासिफिकेशन तो पढ़ा दिया, अब मैं आप लोगों को पार्ट बाय पार्ट सारे ट्रायंगल्स को एक्सप्लेन करूंगी. सबके अपने अपने डेफिनेशंस हैं और सबका अपना अपना प्रॉपर्टीज है. ओके वेरी गुड. सो लेट्स स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड और उसके डेफिनेशंस. ओके मैं यहां से इरेज कर दे रही हूं. सबने नोट कर लिया ना इसे अपनी कॉपी में? आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में नोट कर लिया? इन सबको अपनी कॉपी में नोट करना है. वेरी गुड अंजलि. ओके सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइप ऑफ ट्रायंगल. हेडिंग दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ साइड. ओके फर्स्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल. मैं भी सारे ट्रायंगल्स के डेफिनेशंस आपको समझाऊंगी. हम लोग एक एक करके सारे ट्रायंगल्स के डेफिनेशंस पढ़ेंगे. आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके तो हमारे पास तो अभी टाइम नहीं है. कोई नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में सारे डेफिनेशंस अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे. तो ऑन अ नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ साइड सारे ट्रायंगल्स के डेफिनेशंस, सारे एंगल्स जितने भी टाइप्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज हैं, हम लोग कल पढ़ लेंगे इसको. आज का आपका होमवर्क होगा, मैंने जितना भी पढ़ाया उस सबको अपनी कॉपी में नोट करना एंड सबको अच्छे से पढ़ना. कल मैं क्लास स्टार्ट करने के से पहले
कुछ नया पढ़ाने से पहले आपको वापस रिवाइज जितना भी मैंने आज बताया है वो सब पूछूंगी, उसके बाद हम लोग नया क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके एवरीवन, ओके बाय।